नमस्कार मत को स्वागत मु मंदाकिनी आज टॉपिक रही विचित्र नियम कहीं के बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही गिरफ्तारी को नहीं गत काली पूरा देवगड़ ठप हो जाता बीजेपी पक्षर दि जा बार घंटिया बंद में सामिल होते साधारण जनता राज्य अफिसर राज को नहीं बीजेपी बर्षि कांग्रेस मागिच बीजेडी नेता एवं मंत्री ट्राक रेकर्ड हिसाब एपटे बीजेडी भी जवाब देपटे विधायकों पुलिस देउची निर्यातना आसतु नजर पकेबा प्रथम रिपोर्ट उपरे बहुत कदर्ज्य कहबी पुलिस व्यवहार बहुत कदर्ज्य कहबी गिरफ्त बढ़ीगला पुलिस निर्यातना विधायक सुभाष पाणिग्राही को कहीं कदर्ज्य व्यवहार करने को साहस कला पुलिस पुलिस को किए जगैला बल कहा बल जड़े वरिष्ठ विधायक को पुलिस एमती व्यवहार कला यह उठी प्रश्न काठगड़े देवगड़ पुलिस आवाद पुलिस विभाग बड़ बाबू आवाद खोद गृह विभाग मुखिया थे शुणु देवगड़ बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही को केमी व्यवहार कर पुलिस मोर देह खराब मु छतावर मेडिकल मोर टेस्ट करा छतावर मेडिकल टेस्ट कलापर से रेफर कले हॉस्पिटल देवगढ़ हेडक्वार्टर को किंतु मते हॉस्पिटल को न आणी सर मते कोर्ट नहीं मजिस्ट्रेट को पाखे प्रोड्यूस करागला मजिस्ट्रेट को पाखे प्रोड्यूस कला मजिस्ट्रेट तार से देखला जे तांकर माने रेफर करा हॉस्पिटल को सी कागज भी लिखिदेले किंतु एमाने एते माने पुलिस वाला ये भाला काम जो मत नहीं जेलखाना को नियागला से आणमापर कहीं लुक ना दृश्य नजर पका पूरा देवगढ़ ठप विधायकों गिरफ प्रतिवाद रे बीजेपी दे बार घंटिया बंद डाकर पूरा जिला सामिल दुकान बजार ठारू आरंभ कर गाड़ी मोटर सबू बंद आ सबु स्थान में बीजेपी कर्मी आरंभ कर साधारण जनता विक्षोभ राज्य में चलता अफिसर राज को सहजरे ग्रहण कर जनता जाणीशु विधायकों फसई दि जा संगीन अभियोग पूरा दुर्नीति जे हिसाब से चले चल आमको पूरा दबे चलीजन बीजेपी को पूरा दबे चलीजन कौन पाई आम भी तो न्याय लगे लड़ुचू ना आम भी न्याय पाई छिड़ाही तो न्याय आमको जरूरी दरकार कौन पाई बिना तदंतरे कौन पाई आमर विधायक को अरेस्ट करा गला ये होची पूरा राज्य सरकार को गुंडाराज चली पूरा राज्य सारा जेते बड़े आमर विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्राही गले कथार सत्यता जानमापी तांकू अरेस्ट करा गला एते तत्परता तांकर अरेस्ट करबारे बाकी एते बेबिना इतिश्री ममता भली एते बड़ केस हो गला किंतु सेथिरे कोनोसी तत्परता देखौना राज्य सरकार जे सत्यता जानिबा पई गला तांकू अरेस्ट कर दे निम्न मानर तांकू नै चिकित्सा दौछंती चिकित्सालय रे तांकू आम सहित भेट करबा पई दौना कि तांकू कोनोसी परिवार वर्ग को तांकू भेट करबा पई दिया होने विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्राही थे पुणी विडीओ सहित देवगढ़ विकास आलोचना करने पाख जाते किंतु जिते विधायक तुम्हें गले अतर्कित हिसाब से थे पुणी विडीओ जी कि कलर धरीते और जीवन में मारद धमक देते जोटा हूँ सहमत हो जदि दुटा तीस विधायक दे एफआईआर विडीओ दे पांचटा तीस आप चिंता करूँ कौ टाइप न्याय अन्याय हो सरकार दल से पुलिस को हाथ में रखिंट हाथ रखिक आम लोक मानक जहा करे से वीडियो भी कलर फलर धरले विधायक आमर दाबी है जदि वीडियो को अरेस्ट न हो आपको देवगढ़ जल राज्य सरकार को विचित्र नियम को नहीं बर्षि बीजेपी विजु जनता दल रण विधायकों नाँ अभोग आठ दर्जन रु अधिक मंत्री नाँ भी अभोग महांगा डबल मर्डर में मंत्री प्रताप जेना ममिता मेहर हत्याकांड में खोद गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्रा परिअपहरण मामलें कैबिनेट मंत्री अरुण साहू निज रोसिया मृत्यु मामलें खोद स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास एकाधिक मंत्री संपुक्त बेले आईन कहीं बाटे जाऊनी बोली प्रश्न करजेपी घटना को विधायक महल में कड़ा निंदा कर आज यही जिला बंद डाक दलर तुंग नेता और विधायक मैंने सामिल हो सरकार को उपरे बर्षि विधायक देवगढ़ को जो भाई भाव जड़े विडीओ एफआईआर गिरफ्त कर
दृढ़ स्वर ने निंदा करुच्ची ये गणतंत्र पे शुभंकर नुहे देखु जदि विरुद्ध तदंत नक धरी प्रबल विरोध कराव घोर निंदा करुच्ची ए टाइप जो कले तो आगामी दिन में गणतंत्र विपन्न हम ए मैं साधारण भाव में जो जनप्रतिनिधि को गिरफ्त कर साधारण जनता को किए कौन कराऊँच अनुभव करेंगे ये घटना को आम दृढ़ शाणित कंठ से आपको आम निंदा करुचु। विधायक सुभाष पाणिग्राही गिरफ्तारी को नहीं केवल देवगड़ नुहे खोद राजधानी में मध्य प्रकाश पाई प्रतिक्रिया जिला बीजेपी पक्ष राजधानी में विक्षोभ और प्रतिवाद राज्य में चलता अफिसर राज नहीं बर्षि बीजेपी कांग्रेस सरकार को समालोचना करुवा बेले जवाब रखी बीजेडी ना यहाँ उचित है यहाँ गोटे बीजेपी बोली सडन आरेस्ट कर जेल को पठाई दवा यहाँ ठीक है कहीं परंपराटा नष्ट हो जाए आईन आईन बाटे जीव एवं से विधायक हूँ बाकी व्यक्ति हूँ आईन परिसर रे समस्ते आम था समस्ते आईन समस्त सामान देवगड़ निर्माल्य साहू सौम्यरंजन धल मलय भई सुरेन्द्र बारिकों सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र शत्रुपा सामंतराय और दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज। यह घटना को नहीं विभिन्न महल रु विभिन्न प्रतिक्रिया आसतु नजर पकड़ प्रतिक्रिया गुड़िकन्याय भाव में गिरफ्त कराई से बाबद जनवाई एवं यह एक अगणतांत्रिक एवं किभली भाव में समय दिगला ना ये बाबद आलोचना करलु और दुख प्रकाश कलु यह अगणतांत्रिक बोली पाखे आम आम कथा रखिलु माननीय जनप्रतिनिधि को से जोड़ी भाव में मिसबिहेव कले प्रथम निजे सुभाष पाणिग्राही माननीय विधायक एफआईआर देलापर तर एफआईआर को आधार कर पुलिस कौन प्रकार पदक्षेप निगला ना यह आधार कर आज आम डी महाशय पाखे आम दाबी रखिलु तुरंत इनक्वारी करेंगे जेहेतु दुईटा एफआईआर आसी दुईटा एफआईआर को विचार करी गोटे एफआईआर जेहेतु आक्शन नहीं एफआईआर कथा को विचार नहींकर मु तुरंत जहाँ आक्शन निया कथा आईन अनुसार मुझे बोली से प्रतिश्रुति विरुद्ध डीजी महाशय को आम फेरा देलु जे निरपेक्ष एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान जदि विडीओ कथार कार्यानुष्ठान ताले विधायकों कथार कार्यानुष्ठान नहले ओडिशा पुलिस जहाँ प्रति आम एत सम्मान रही लोके ओडिशा पुलिस न कहीकि विजु जनता दल बीजेडी पुलिस बोली कह घटना को दृढ़ कंठ से निंदा करुचु अल्टीमेटम दिखाई जे 24 आवर भितर आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जो विडीओ तरफ कहीं एफआईआर दुईपट हो आपण सेकेंड एफआईआर जो कार्यानुष्ठान ने मानव विधायक एफआईआर कहीं कार्यानुष्ठान ने आट इज ए क्लीयर कट भाओलेसन अफ बुक सर्कुलर 47 आटा आम अल्टीमेटम देक आस देखा जाऊ सरकार कौन कर ओडिशार जो सरकार चली सरकार मुख्य सबुबले कहती आईन ता बाटर जीव किंतु आज आपण मैंने देखुवे आईन ओडिशार बाट बणा हो जा गोटी आईन विजु जनता दल नेतृत्व मंडली अन्य आईन गोटे पटे विजु जनता दल एवं सरकारी चाकरियाई सरकारी कर्मचारी जो मैंने उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी अच्छा गोटे आईन आउ गोटे आईन सारा ओडिशावासी एवं विरोधी दलपाई गोटे पटे आपण मैंने देखि दीर्घ दिन धरी गोटे मंत्री सीधा सड़क भाव मर्डर केस्रे संपृक्त थे आईन अलग था गोटे मंत्री ममिता मेहर भाया सीरीयस घटन आपण जानते पूरा संपूर्ण भाव में संपृक्त थे आईन बदली जाता किंतु गत काली देवगढ़ विधायक को बिना तदंतर जेभली भाव में गिरफ्त कले भारतीय जनता पार्टी दृढ़ निंदा करुच्ची विजु जनता दल सरकार जो भाव में गणतंत्र को बारंबार हत्या करुच्ची ये कथा को आम बारंबार राजरास्तार लड़े करुचु हक मगुचु साधारण जनता मगुचु एवं गणतंत्र प्रक्रिय प्रतिनिधि मान जो मैंने अन्या अत्याचार करमि प्रतिवाद करा जाए से प्रतिवाद बारंबार करुचु किंतु सरकार कथा शुणती ना भारतीय जनता पार्टी नेता मान को पूरापूरी भाव में सुचिंतित षड्यंत्र कर बदनाम करने ये जो षड्यंत्र अच्छी जनता जाणि सारे विगत दिन में देखिए केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडुनु को जो भाई भाव में हईराण हरकत कर बदनाम करने कि निर्वाचन समय विधायक सुभाष पाणिग्राही को पुलिस आज आरेस्ट कर जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि
ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ନିଜ ବିଧାନସଭାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ। ଏବଂ ସେ ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଦୂର ସମାଚୀନ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ କାହିଁକି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଶାସକ ଦଳର ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିୟମକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା ବି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇନି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି, ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ତ ବାରମ୍ବାର ସଫେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ନେଇକରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ଏଠି ତାର ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେବଗଡ଼ କେସ୍ ଦେଖିବା, ଗତ 30 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ତିଲେବଣି ବିଡ଼ିଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳପତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା, ଏ ନେଇକରି ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 360 ଏବଂ ଦିନ 2:30 ହିଁ ସେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ତିଲେବଣି ବିଡ଼ିଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳପତି ସେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ପାଲଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 361 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:40 ହିଁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳକୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା କହୁଛି, ଗତ 7/9/2016 କେସ୍ ନମ୍ବର ରିପିଟ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 68/2016 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିକୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, କେବଳ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଛାଡ଼ିକି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା, ରେପ୍ କେସ୍ ହେଲା, ପୋସ୍କୋ କେସ୍ ହେଲା, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସହାୟତା ଆପ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 18 ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଯିଏ କିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମମିତା ମେହେର କେସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରର ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କନ୍ସର୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେବଗଡ଼ କେସ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସିଧାସଳଖ ଅବମାନନା କରିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲେ 2016 ପୋଲିସ ସାର୍କୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର 367 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିକୁ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ତ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସହାୟତା ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ନମ୍ବର 361 ବିଡ଼ିଓ ତିଲେବଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇନି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହେଲେ ଅବମାନ କରୁଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନି ତା ଉପରେ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ 3 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବବି ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କି? ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତେବେ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ?
जेतेबेले सुभाष पाणिग्राही को जने जनप्रतिनिधि को गिरफ्त करा जाउची किंतु शासक दल जो नेता मंत्री माने छंदी विभिन्न केस रे सेमानंकु ना जेरा करा जाउची ना सेमानंकु तदंत परिसरभुक्त करा जाउची ना सेमानंक विरोध रे कोनसे एलिगेशन आसुची ना सेमानंकु कोनसे क्वेश्चन पचरा जाउची किंतु ये जेतेबेले विडंबनार विषय जे सुभाष पाणिग्राही को घर आसी पुलिस उठाय नै जाउची एवं तांकु निर्यातना देबार मध्ये से अभियोग करुछन्ते प्रदीप्त निश्चित भाव में मंदाकिनी आप जो कथा कहले सुभाष पाणिग्राही देवगढ़ विधायक तांकु गिरफ्त करने घटना पर ही समग्र ओडिशा रे राजनीति वर्तमान उष्म होई एवं विशेष भाव में बीजेपी विधायक माने विभिन्न फोरम रे एने की अभियोग करचंती आमे जदि गतकाली कथा देखिबा गतकाली डीजीपी को मध्य बीजेपी रो विधायक माने एवं नेता माने भेटिचंती ता पूर्वरु देवगढ़ बंद मध्य गतकाली डाकरा दिया जायथिला दल पक्षरु देवगढ़ जिला संपूर्ण भाव बंद करा जायथिला एवं ता सहित आमे जदि नजर पकाइबा गतकाली जो बीजेपी रो भुवनेश्वर जिला बीजेपी रही है भुवनेश्वर विक्षोभ करते कि जो प्रश्नगुड़ आप उठा विरोधी दल जो प्रश्नगुड़ बारंबार उठाऊँ बीजेपी जो प्रश्नगुड़ उठाऊँच जे एटी विधायक जन विधायक व जनप्रतिनिधि गोटे नियम एवं जो जी प्रशासनिक अधिकारी तिलईबणीर जी वीडियो अच्छा अलग नियम रही कि आउ जो पूर्व किसी अतीत कथा आप कहते जे शासक दल नेता बा खोद राज्य कैबिनेटर जो मंत्री माने अच्छा आम कृषि मंत्री अरुण साहू को कथा कहवा पंचायत राज मंत्री प्रताप जेना कथा कहवा जो माने भी अच्छा से मानक विरोध में विभिन्न अभियोग आसी विभिन्न जो थाना ना एतला दि जाइए एमती कि जो हत्या भली संगीन दफा लगी कि सरकार व राज्य पुलिस से तदंत परिसरभुक्त कराईना किंतु एटी जितेबाला जो कथा मो सहयोगी सुरेन्द्र बारिक कहते जे सुप्रीम कोर्ट आईन अनुसार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार जहाँ पुलिस करवा कथा जो एफआईआर कॉपी को अपलोड करवा कथा उभयंकर किंतु एठी करा जाए नहीं तिलईबणी वीडियो एफआईआर एतला को अपलोड करा जाए नहीं पब्लिक डोमेन रे किंतु सुभाष पाणिग्राही एफआईआर को एठी अपलोड कराई तेणु ये प्रश्न आसूँ बा सन्देह सृष्टि हो प्रकृत में तिलईबणी वीडियो किसी एफआईआर एतला पुलिस रजिस्टर कर केवल फोन कॉल माध्यम रे बा मौखिक माध्यम रे अभियोग हेछि एवं परवर्ती समय रे सुभाष पाणिग्राही को गिरफ्त करा जाइछि तनु ए सब संदेह गुड़ी को एठि सामना को आसुछि बा सृष्टि होउछि एवं जो जहाँ को जो प्रसंग को नहीं कि वर्तमान राजनीति सृष्टि हेछि ट्विटर रे विभिन्न नेता माने केन्द्र मंत्री जेमती आपण आलोचना करछन्ती गोटे पटे राज्य सरकार डिंडिम पिटुछन जे आईन समस्तक पई समान किंतु जतेबेले एहाको कार्यकारितार करिवार प्रश्न उठुछि सेतेबेले शासक दल कोठीना कोठी पछे जाउछि चित्र ही स्पष्ट करुचे तो आम आज आलोचना करुचे विचित्र नियम कहीं कारण बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही को जो भाई भाव में गिरफ्त करगला बर्तमान विभाग विचार विभाग हाजत में रखाई स्वास्थ्यावस्था खराब रही चिकित्सा चलती कि अभियोग करस निर्यातना देती तेरे संपर्क में लगातार भाव आम सहित आलोचना करम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र बारिक और भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र आम सहित जोड़ सुरेन्द्र आपको आसपा चाहिए सुरेन्द्र अफिसर्स राज चली आम कहीपर राज्य में कारण देखू अफिसर्स मैंने जी नेता मंत्री रही शासक दल चापर आसी ना कोटी जे विरोधी दल जो मैंने नेता बा रही जो सांसद मैंने रही विधायक मैंने रही जितेबाला से क्वेश्चन पचारापी जाते से जनप्रतिनिधि हिसाब से लोकंर जो असुविधा अच्छी जितेबाला से आलोचना करने जाते माड़ खाया पड़ी तो कते गिरफ हाँपी पड़ी यही चित्र बर्तमान सामना को आसूँ तेनालीपर जठार बर्तमान अफिसर्स राज चली निश्चित भाव में कहीपर जे एठी गोटे गोटे ब्यूरोक्रेटिक्स गवर्नमेंट चलती बारंबार विरोधी अभियोग करछन्ती गत काली बीजेपी पक्षर जो बार घंटिया बंद डाकरा दिया देवगढ़ जिले में तो लोके स्वतप्रत भाव बंद में सामिल होते विभिन्न संगठन समर्थन करते गत काली राज्य सभापति समीर महांती सहित वरिष्ठ नेता मैंने देवगढ़ गस्त करते विधायक सुभाष पाणिग्राही हॉस्पिटल भेट होते पर सहित आलोचना करते कि वर्तमान काठगड़ा देवगढ़ पुलिस किंतु जेहेतु से कैमरा सामने आम गत काली आम बारंबार
देवगढ़ एसपी को हले जोगाजोग करथिलु किंतु वर्तमान सुधा देवगढ़ एसपी संपर्क आलोचना करबा किंतु टिके समय पय आपन को अटकेया पय चाहिबी कारण भुवनेश्वर रु राजभवन समकरु आम सहित जोडी चंती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र मध्य जोडी चंती प्रदीप्त वर्तमान जा चित्र आमे देखि पारछु जे बीजेपी रो किछि नेता माने वर्तमान राजभवन अभिमुखे जाउ चंती कोन रहै छ एक्चुअली स्पष्ट चित्र प्रदीप्त प्रदीप्त आपण सुनी पारछंती कोन आलोचना हला तबे घटना रे वर्तमान बीजेपी रो गिरफ्तारी घटना रे घटना को लेकि से वर्तमान भेटी फेरी 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 चलती आमी सीधा प्रतिक्रिया मध्य लेबा विरोधी दल मुख्य सचेतक बहन माझी भटवार अपन करी साधारण संपादक लेखक सामान्य सुधार मध्य अछंती मुकेश महाले विधायक मध्य अछंती एवं अन्य विधायक मान मध्य उपस्थित अछंती आसंती ठाकुर प्रतिक्रिया नवा प्रतिक्रिया राज्यपाल पाखे कौन दावी उपस्थापन कले सुभाष पाणी घटना को लेकिन राज्यपाल दावी उपस्थापन कले सुभाष प्रतिक्रिया आज आप राज्यपाल को भेट कौन दावी पत्र दे दावी कले आज आम महामहिम राज्यपाल को आज एक मेमोरांडम लेकिन देखा करलु देवगढ़ रो लोकप्रिय जनप्रिय विधायक सुभाष प्राणीग्राही को जेभली भाव अगणतांत्रिक पद्धति एवं अभावनीय परिस्थिति रे पुलिस राति अधरे आसिकी भुवनेश्वर तक बासभवन जेभली भाव अरेस्ट कले तार प्रतिवाद रे आज आम गवर्नर को देखा कलु बड़ दुर्भाग्यजनक कथा नवीन पटनायक सरकार रे विरोधी दल विधायक मान प्रति ना अच्छी सम्मान ना अच्छी सुरक्षा आज जड़े पर जड़े समस्त विधायक को असम्मान करवा सुरक्षा नदे ये गोटे दुर्भाग्यजनक कथा निजे मान्यवर विधायक ताकु मिसबिहेव करागला बीडीओ महाशय गोटे गाँव रु आ गोटे गाँ कर पांचटी गाँ को नेला ताको उपरे पुणी खराब भाषा रे व्यवहार करवा दुर्व्यवहार करवा बड़ दुर्भाग्यजनक कथा ये कथा को लेकर माननीय विधायक जो एफआईआर देले कथा को पुलिस एवं जिला प्रशासन ग्रहण कला ना अदरवाइज तीन घंटा पर जितेबले वीडियो मास एफआईआर देले कथा को संगे संगे ग्रहण करा पुलिस प्रशासन तांको भुवनेश्वर गिरफ करवा ये बहुत बड़ गोटे दुर्भाग्यजनक कथा एटी ऑफिसर राज चली वीडियो माने आज जहाँ चाहिए ताहा करिवे किंतु ये गणतंत्र जनप्रतिनिधि मानकु सम्मान नहीं आज आप देखिथे मु निजे जड़े विधायक केन्द्र मते बमा मड फोपड़ा गला तार कौन सी एक्शन नियागला नहीं आमर लुई सिंगार विधायक मुकेश मालिंग ये अच्छा पीएसओ को ड्राइवर को विधायक प्रेजेन्ट मड़ मरा गला तार कौन सी एक्शन करागला नहीं बारीपदार विधायक प्रकाश सरन को आक्रमण करा सहित गोटे झगड़ा होता छुटिया केस रे कौन सी प्रकार इन्वेस्टिगेशन न करके अरेस्ट करागला आज आप देखु सुभाष पाणीग्राही कथा जो मर्डर हो डबल मर्डर सेठिकार विधायक को पचरा गला ना कोर्ट नोटिस कला परी कथा ममिता मेयर कथा आपने समस्त जानते संपृक्त विधायक मंत्री मान पुलिस पचारे भी ना फयराज कौन सी घटना घटी ना मान्यवर विधायक पिटी ना कि भी खराब भाषा भी व्यवहार करना तार वीडियो किंबा ऑडियो रेकॉर्ड भी नहीं किसी इन्वेस्टिगेशन करागला ना थाना को डकागला ना राति अदिया अरेस्ट करागला दुर्भाग्यजनक कथा से आज आम राज्यपाल पाखे भेटिकी आम दाबी करूँ जो तुरंत जो प्रथम एफआईआर वीडियो महाशय जेभरी भाव में दुर्व्यवहार करवर विधायक को से केस तुरंत आक्शन निया दरकार एवं ये जो रूम बुक सर्कुलर 47 रो जो उल्लंघन कले वीडियो महाशय तहारी उपरे मध्य तर्जमा करी किभरी भाव में वीडियो महाशय को उपयुक्त
माने दंड दिया जाऊ तांकु तुरंत अरेस्ट करा जाऊ एवं यार तर्जमा करा जाऊ बुक बुक सर्कुलर 47 रो जे किबड़ी बाबरे उल्लंघन करा जाऊची गतकाली मध्य 31 कमिटी उपरे आलोचना हेइतला निजे चेयरमैन दुख प्रकाश करिथिले जे अधिकारी माने तांकर निजस्व माने जो स्तर रहिबा कथा जेबड़ी बाबरे जनप्रतिनिधि के व्यवहार देबा कथा सेतिरे उल्लंघन जो करा जाउची बोली एणु ये कथा को लेकर आम राज्यपाल समस्त कथ को तथ्य रखीचु एवं से तांकर पदक्षेप जहाँ नवा कथा ने आमको प्रतिश्रुति परवर्ती कार्यक्रम पार्टी निष्पत्ति कर कौन हम एवं आम राज्य सभापति समस्त विधायक मान को डाकी पार्टी कार्यालय को आम से गला राज्य सभापति सहित आलोचना क्रमे परवर्त कार्यक्रम कौन कर राज्य सभापति निष्पत्ति ने किंतु सेठिकार सांसद जी अच्छा नीतीश गंगदेव तक पत्नी सर आप देखिए सोशल मीडिया रे जहाँ लिखुंट सुभाष पाणिग्राही को आक्षेप कर समर्थक मैंने गुंडागिरी कर बाबद ये तथ्य भूल अच्छी ये दल को विभाजन करने सुभाष पाणिग्राही सुभाष पाणिग्राही विधायकों जो घटना घटी ये कथाटा को गोड़िया करिया पाई एटी भूल तथ्य कराई ये मिथ्या कथा अपन सुनते मोहन माझी प्रतिक्रिया जी कि सीधा सड़क कहते राज्य में वर्तमान ऑफिसर्स राज चली बिना तदंत में विधायक को गिरफ्त कर तेज परवर्त पदक्षेप कौन हम ता आगामी दिन में ही जमापड़ आगामी किसी समय पर ही जमापड़ तेज वर्तमान समय सर मत को यही रखु नमस्कार। रही रही कि स्टार्ट नौ पुणी ऑफिस हो पुणी बंद हो बैटरी डाउन अच्छे जना पड़ी।